अलोक निरंजन, धरती वासियों, बादल पर सवार बाबा पर जब तुम्हारा बेच, मेरे बच्चों तुमको पता होगा कि कल बोला था कि चित्रगुप्त के पास जाऊंगा। जैसे ही चित्रगुप्त के पास पहुंचा, फाइलें दबा दी गईं। तुमने देखा होगा धरती पर भी कि जब सैंपल वाले आते हैं, जो तुम्हारी भाषा में इंस्पेक्टर बोलते हैं, आते हैं तो जिसमें मिलावट होती है उसको दुबका दिया जाता है, हो जाता है ना ऐसे। तो ऐसे उसने फाइलें दुबकाई, और जब फाइलें दुबकाई एक क्षण में पता लग गया। अब कहोगे जी पता कैसा लग गया? जैसे मेटल डिटेक्टर होता है ना, कहीं भी छुपा लो टी पी आवाज आती है, आती है ना, तो पता लग गया यहां से टी और वहां से पी, निकाल कर रसीद करें। ये क्या है भाई, ये बाबा शिव के भक्त हैं, गलती हो गई, गलती हो गई, ये राहु केतु आए थे, कुछ भी करो। मैंने कहा यहां ऐसा नहीं चलेगा। तो बच्चों शिव की आराधना करो, वो भी बच गए, तुम भी बच जाओगे। अलोक निरंजन, मेष राशि वालों, मेष वालों मेरे बच्चों, सावधान सावधान, आज धन के नुकसान से बचना है। जीवन साथी सहयोग करेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। अब सारे सारे इधर आ जाओ भाई, मैंने कल बोला था कि तीनों को भेजूंगा सियाचिन पर, बोला था राहु केतु शनि, सारे के सारे जाओ। और शनि ध्यान से सुन ले, जब वहां पहुंचेगा तो आंखों पर चश्मा जड़ लियो, पहले बता रहा हूं, और चश्मा लगाकर बल्कि चश्मे के ऊपर डबल चश्मा कर लियो, ठीक है? मतलब ये चश्मा, उसके ऊपर एक शीशा और ऐसे कर लियो, ऐसे करके टक, ठीक है? और सबको आशीर्वाद देना है, और जब दुश्मनों की तरफ को देखा तो चश्मे हटा के ना आंखों को थोड़ा और ऐसे कर दियो, ठीक है? ध्यान से बच्चों की तरफ निगाह नहीं जानी चाहिए, सुन ले कान खोल के, हाँ बच जाओ। वृष राशि वालों, वृष वालों मेरे बच्चों, बाबा शिव की कृपा से कारोबार में फायदा होगा, नई संपत्ति खरीदोगे, और आज धन का नुकसान होना नहीं चाहिए। अगर धन का नुकसान हो गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मिथुन राशि वालों, मिथुन वालों मेरे बच्चों, यात्रा का योग है आज। बाबा शिव के साथ साथ माता महाकाली की भी तुमने पूजा करनी है। कारोबार में जो समस्या आ रही थी उसका समाधान हो जाएगा। कर्क राशि वालों, कर्क वालों मेरे बच्चों, धन का लाभ होगा, बहुत बढ़िया। जीवन साथी के सेहत में सुधार होगा और नई संपत्ति का लाभ होगा, खरीदोगे। चंद्रमा सब ठीक है? ठंड लग रही है? किसको ठंड लग रही है? तुम्हें? किसको लग रही है? राहु को ठंड लग रही है। बेटा देख, ठंड लग रही है ना, इतने कपड़े पहने में ठंड लग रही है ना, और फिर भी तुम ऐसे कुनेटे हो कि जिस राशि में बैठ जाओगे ना, जैसे दूध को फिटकर ही फाड़ देती है, वो हरकतें करते तुम देख रहे हो ना, कितनी बर्फ है सियाचिन में, दिख रही है ना, है ना? और तुम आ, 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 तेरे में गर्मी अभी ला रहा हूं ना, इधर आ जा, लाऊं गर्मी ऐसी हो जाएगा, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बच्चों के घर में खुशियां खुशियां चाहिए, इनको देख ले, देख लो। सिंह राशि वालों, सिंह वालों मेरे बच्चों, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, संपत्ति का अर्जन होगा, और खान पान पर ध्यान देना, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा अगर खान पान पर ध्यान दिया तो। कन्या राशि वालों, कन्या वालों अपनी सेहत का ख्याल रखना, कहीं वाहन दुर्घटना ना हो जाए, और स्थान परिवर्तन भी मुझे दिखता है, देख लिया ठंड कितनी है। लेकिन बच्चों को तूने, यहां कुछ परेशान हो रहे हैं मेरे बच्चे, सबको ठीक रखो, सबको प्रसाद दे दो, कुछ क्या खाएगा, गुलदाना, लड्डू, बर्फी, जलेबी, इमरती क्या खाएगा, इमरती खाएगा गोल गोल, तो ले गोल गोल ले, ले ऐसी ऐसी ले, 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 खाली इमरती, ठीक है। तुला राशि वालों, तुला वालों मेरे बच्चों, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, खान पान पर ध्यान देना, और यात्रा को फिलहाल टाल देना।
वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक वालों, मेरे बच्चों, आज क्रोध मत करना वरना झगड़ा होगा ही होगा। अगर किसी मित्र को कुछ धन दिया हुआ है, अगर लौट आने में आना का नहीं कर रहा तो कुछ समय दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, उपहार की प्राप्ति होगी। धनुराशि वालों, धनु वालों, मेरे बच्चों, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, नई नौकरी का योग, नई नौकरी का योग तो धन मिलेगा, पैकेज बड़ा हो जाएगा। आज का दिन कोई अपने लिए खुशबू वाली चीज खरीद लेना, जैसे ही लगाता है ना बुध ऐसे बड़े, जरूर लेना। मकर राशि वालों, मकर वालों, मुकदमे में सफलता मिलेगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा और क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। कुंभ राशि वालों, कुंभ वालों, उच्च अधिकारी से सहयोग मिलेगा, कर्ज का लेन देन ना करें और जीवन साथी से तालमेल रखें। मीन राशि वालों, मीन वालों, मेरे बच्चों, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा और मनोरंजक यात्रा का योग है, बाबा शिव की कृपा से आज तुम्हारे वारे न्यारे निश्चित हैं। धरतीवासियों, बादल पर सवार बाबा के ध्यान का समय आ गया। मेरे बच्चों, मैं तुमको बार बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, संसार का हर सुख चाहिए, मुझको एक बात बताओ, संसार के स्वामी प्रभु श्री राम जी भी जपते हैं उनको, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण भी जपते हैं उनको, जपते हैं, जपते हैं, तो तुमने भी जपना है। जब प्रभु जी जपते हैं तो उनके बच्चों ने भी जपना है। अब मैं चलता हूं, मुझे ब्रह्मांड में जाकर ध्यान लगाना है, और इधर राहु केतु हैं, डंडा लेकर मुझे भी शतक जल रहा है। अलोक निरंजन।